नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम सच्ची घटना पर आधारित हॉरर डरावनी कहानियां सुनाते हैं, तो आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। रात के 11 बज चुके थे। रीता को थोड़ा सा ऑफिस में लेट हो चुका था। रीता ने अभी अभी अपना सारा काम निपटाकर ऑफिस से बाहर निकली थी। रोड पर खड़ी थी, किसी रिक्शे का वेट कर रही थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और रीता से पूछा, कहाँ जाएंगी मैडम? जी, मुझे नेहरू नगर जाना है, क्या तुम चलोगे? 400 रुपये लगेगा मैडम, रीता बोली। अरे भैया, मैं तो डेली आती जाती हूँ, 200 रुपये दूंगी, चलोगे क्या? रिक्शा वाले ने रीता को ऊपर से नीचे तक देखा, बोला ठीक है चलिए। रीता रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शा वाला रिक्शा आगे बढ़ा देता। रिक्शा वाला अपने साइड वाले शीशे से रीता को घूरने लग जाता और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करता रहता। बार बार वह रीता को घूरे जा रहा था, मस्ती से गीत गाया जा रहा था, मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। रीता को यह सब हरकत अच्छी नहीं लग रही थी, वो अपने फोन पर बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद वह अपनी सहेली रेणु को फोन लगाती है। रेणु, तुझे तो पता है ना, मेरे पति कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, तू क्या मेरे घर आ सकती है? लेकिन रेणु का रिप्लाई, नहीं मैं आता, आज मैं नहीं आ सकती, कल जरूर आ जाऊंगे, ठीक है कह करके रीता फोन रख देती, फिर फोन पर बिजी हो जाती। रिक्शा वाला अपनी आदत से बाज नहीं आता, वह रीता को घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद रिक्शे वाला बोलता है, मैडम नेहरू नगर आ गया। रीता रिक्शे को एक घर के सामने रुकवाती है। रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है, वह घर तो कम कोई आलीशान बंगला ज्यादा लगता था। पैसे दे करके रीता घर के अंदर दरवाजा खोल करके चली जाती है। रिक्शा वाला गुनगुनाते हुए रिक्शा मोड़ने लगता है, तभी उसकी नजर सीट पर जाती है। सीट पर कुछ दिखता है, शायद रीता अपना मोबाइल फोन भूल गई थी। रिक्शे वाले ने सोचा, इतना बड़ा घर, फोन भी महंगा ही होगा। वह चुपचाप जल्दी से रिक्शा आगे बढ़ा देता, कुछ दूर जाकर के रिक्शा रोकता है, मोबाइल को अपने हाथ में लेता है, चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ था, बहुत महंगा फोन लग रहा था, फोन चालू नहीं होता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके मन में अजीब सा ख्याल आने लग जाता है कि मैडम फोन पर बातचीत करी थी, उसका पति भी नहीं है, और ये फोन सुस्ता वापस कर दूंगा। उसके मन में गलत भावना आ जाती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। वह अपने एक दोस्त को फोन लगाता है कि तू फटाफट इस पते पर आ जा, और वह फोन लेकर के रिक्शा वाला वापस उस बंगले के सामने खड़ा हो जाता, इधर उधर दिखता है, फिर धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाता है, अंदर दरवाजे की घंटी बजाता है, 4-5 बार ट्राई करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन धक्का मारता है तो फिर अंदर का दरवाजा भी खुल जाता है। वह घर में इधर उधर घूमता है, मैडम मैडम आवाज लगाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। तभी उसे एक कमरे से पानी जैसी कुछ आवाज आती है, वह कमरे के अंदर घुस जाता है, आवाज बाथरूम से आ रही होती है। वह जोर जोर से मैडम मैडम आवाज लगाता है और बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। बाथरूम के दरवाजे के पास से भी वह आवाज लगाना चालू कर देता, मैडम मैडम मैडम। अचानक से पानी बंद हो जाता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। 10-15 मिनट इंतजार के बाद भी मैडम बाहर नहीं निकलती। रिक्शे वाला बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है, फिर आवाज लगाता है, मैडम मैडम। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। धीरे से वह दरवाजे को पुश करता है, धक्का मारता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर का नजारा देख करके वह दंग रह जाता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ये सब देखना पड़ सकता है।
अंदर बहुत ही भयानक बदबू आने लगती है। बाथटब लाशों से भरा पड़ा था और उसके पास में ही 10-15 फोन भी पड़े थे। ये फोन वैसे ही थे जैसा उसे रिक्शे में मिला था। वह जेब में से मोबाइल फोन निकालता, देखता सेम टू सेम। उसकी नजर लाशों के कपड़े पर जाती है। सारी लाशों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है और देखता है कि उन लाशों जैसे कपड़े भी उसने भी पहन रखे थे। वह डर जाता और वह बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी कोई धक्का मार करके उसे अंदर गिरा देता है। वह बहुत डर जाता है। वह अपने मोबाइल उठाता है और किसी को फोन लगाने लगता है। तभी देखता है कि वो जो मैडम थी वो अब मैडम नहीं थी। अब वो भयानक डायन लग रही थी। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, पूरे कपड़ों में खून से लथपथ, बहुत भयानक लग रही थी। वह डर जाता है, कांपने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ ये मोबाइल फोन लाने आया था। मुझे मालूम है कि तू यहां क्यों आया था और क्या करना चाहता था। मुझे सब पता है। और तू किसे फोन लगा रहा है? जिसे फोन लगा रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया है, वह मर चुका है। अब तेरी बारी है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ फोन लौटाने आया था, मुझे छोड़ दो। और धीरे धीरे वह भयानक डायन जाती है और धीरे धीरे रिक्शे वाले को नोचने लगती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है। चुड़ैल ने इन सभी लाशों को क्यों मारा? इन सभी लोगों को क्यों मारा? और उन लाशों का क्या करती थी? किसी को कोई पता नहीं। दोस्तों, कभी कभी ना हमारी गंदी सोच ही हमें मरवा देती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।